विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में आप नेटवर्क में किसी भी फोल्डर को किस तरह से शेयर कर सकते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे नेटवर्क आइकॉन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क में आपका सिस्टम है या नहीं ये दिखा देगा। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो इसमें कोई फोल्डर शेयर नहीं किया गया है ताकि हम किसी और सिस्टम से इसे एक्सेस कर सके, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसमें एक फोल्डर शेयर करेंगे। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर है, इस फोल्डर को हम नेटवर्क में शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे शेयरिंग ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे शेयरिंग में फर्स्ट ऑप्शन है शेयर और दूसरा ऑप्शन है एडवांस शेयरिंग। एडवांस शेयरिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देगा शेयर दिस फोल्डर, वहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और जो फोल्डर है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे एक लिमिट दिया है, लिमिट द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूज़र, कितने यूज़र इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, लैब काफ़ी बड़ी है तो हम यहाँ पे इस यूज़र को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक वक्त में कितने यूज़र इसे एक्सेस कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे परमिशन दिया हुआ है और यहाँ पे कैचिंग दिया हुआ है, तो परमिशन में हम उससे किस टाइप का परमिशन देना चाहते हैं। रीड ओनली परमिशन मतलब वो खाली रीड कर पाएगा, उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। अगर आप उसे फुल कंट्रोल देना चाहते हैं, उसमें फाइल डिलीट कर सके, मॉडिफाई कर सके, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बाद आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद ओके करना है। अभी यहाँ पे एक पाथ सेट हो जाएगा, नेटवर्क पाथ जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद फिर से हम नेटवर्क ऑप्शन पे जाएंगे। नेटवर्क ऑप्शन पे जाने के बाद सेम आपके सिस्टम का नाम यहाँ पे दिखाएगा नेटवर्क में। आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर ऑलरेडी शेयर है, उसके साथ साथ उसमें जितने सारे सॉफ्टवेयर है वो सारे जो भी फोल्डर्स रहेंगे, फाइल्स रहेंगे, वो सारे शेयर हो जाएंगे नेटवर्क में। तो इस तरह से आप फोल्डर को शेयर कर सकते हैं। इस फोल्डर को हम किस तरह से नेटवर्क में परमिशन दे सकते हैं, एक्सेसिंग परमिशन विंडोज 10 में, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।